धन्यवाद, शांति। हाँ हाँ, तमें सारा ज लागता था। हम एक भी जन पूछे छू केवी लागती थी। धन्यवाद आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से कीर्तन में भाग लिया। आपको अच्छा लगा है? तो रोज करेंगे, लेकिन कुछ लोग पीछे खड़े थे। हम कुंडाणा मन होता आवता, लेकिन वो भी कल परसों आ जाएंगे। ये तो हम माई पड़े ने ईज मौज माणिए के। हम दिवाले गहन उभा हो, मोठू बगाड़ता हो, क्यारे बंद कर से। हरिनाम संकीर्तन में बड़ा आनंद है। और सच कहें ना तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र सरल, सुगम और सुखमयी साधन है हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। ये देखो, ध्यान व्यान तो हमसे होता नहीं है, और जितने लोग ध्यान करते हैं उनमें कितने सही है गलत ये कोई जानता नहीं है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, मैं 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करता हूं। मोटा मत माओ भैरो, तू ध्यान क्या थी करिए कौन? दर 2 कलाक के सिगरेट सिवाय चालतो नहीं, तू ध्यान करी सकवान? सच कहे तो ये लोग ध्यान का मतलब भी नहीं जानते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान तो बहुत बड़ी चीज है भक्तों। उस ध्यान के स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक विधियों से पार होना होता है, और प्रथम विधि है यम। ध्यान तो बहुत ऊपर है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और फिर ध्यान और फिर बाद में समाधि, ये तो बहुत दूर है। ध्यान तक पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है यम। यम माने 10 ऐसी चीज जो नहीं करनी है, और उन 10 चीजों में एक है व्यसन, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना है। दूसरा है तामसिक आहार, जैसे मांस मच्छी प्याज लहसुन कांदा लहसुन भी, ये सब तामसिक है। कांदा वगैरह तो चालतू न होए, चाव अगर आंखों न खुलती होए, अने दर शनिवारे पीवा जोइए, तो समझी गया शो। अने वळी कहतो होए कि हूँ ध्यान करू छू, तू ध्यान नहीं करतो तू सूवे छो, तू ध्यान नहीं कर रहा है तू सो रहा है। ध्यान तो बहुत बड़ी चीज। तो जो ध्यान करते हैं वो प्रणम्य है, आदरणीय है, उनको प्रणाम है। लेकिन जहां तक मेरे जैसों की बात है, हम अपना गजानी बात जो करिए, अपनी कैपेसिटी अपनी स्थिति नी बात जो करिए, तो ध्यान करूं ये आपणू काम नथी। क्योंकि मन तो हरे कृष्ण, विनती छे कि जे नी साथे बाळको होय ते रडता होय तो उने बाहर लई जाओ, आ पछाड़ी बसो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, ध्यान के पंथ कृपान की धारा परत खगेश होई नहीं पारा। ये खगराज है गरुड़, ये ध्यान का मार्ग बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग इस मार्ग पर चले हैं और गिरे हैं। कृपान की धारा तलवार की धार के बराबर है, मुश्किल है। कलयुग में तो एक बहुत सुंदर सरल साधन, पूरी रामायण लिखने के बाद
मेरे गोस्वामी जी ने कहा राम ही सुमिरिय गाव ही राम ही। पूरे रामायण का सार बताते हुए गोस्वामी जी ने कहा यह कली कालन साधन दूजा, इस कलयुग में दूसरा कोई साधन हो ही नहीं सकता, जो करते हैं वो प्रणम्य है लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए अन्य कोई साधन हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो एक ही साधन है, वो है राम की कथा सुनो और राम का कीर्तन करो। राम ही सुमिरिय गाव ही राम ही, राम को गाओ। राम माने कृष्ण को, विष्णु को, नर नारायण को गाओ। संकीर्तन, तो आप सब भक्तों ने संकीर्तन में भाग, मैं तो व्यासपीठ में बंधा हुआ था तो मन तो मेरा भी कर रहा था कि कुंडाला में आवी जाओ। नरसिंह मेहता के बेटे का विवाह था तो सारे बराती नाच रहे थे, तो नरसिंह मेहता कीर्तन में भजन में नाच रहे थे, तो धीरे धीरे बरात पहुंच गई दुल्हन के द्वार पर। तो नरसिंह मेहता तो जब नृत्य करते थे गाते थे तो कोई बाहरी ज्ञान नहीं रहता था, तो किसी ने कहा मेहता जी आपके समधी, अपने गुजराती में वेवाई के, मेहता जी तुम्हारा वेवाई आ भी गया, मेहता जी आपके समधी आ गए हैं। हिंदी में नहीं फावे, गुजराती में सारू लागशे अमुक शब्द, मेहता जी तुम्हारा वेवाई सामे आव्या छे, तुम्हारू स्वागत करवा माटे। मेहता जी तो कीर्तन में हता, नरसिंह मेहता कीधु एने कुंडाळा में लियो। आनवार हिंदी में केम केवू, मेहता जी के एने कुंडाळा में लियो। समधी के साथ भी बड़ा कीर्तन हुआ, भक्तों के लिए क्या है, यही कीर्तन है। बहुत बहुत पैसे खर्च करके आदमी डिस्को में जाता है, रेन डांस में जाता है, रॉक डांस में जाता है, बहुत बहुत पैसे खर्च करता है, लेकिन जो आनंद भगवान के सामने भागवत के सामने कीर्तन करने में है वह दुनिया में और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और इसीलिए तो मेरे ब्रज के संत ने कहा कि वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, अरे जो आनंद ब्रज में है वह मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है। किसको मुक्ति चाहिए, ब्रज रस में, ब्रज में जो आनंद है वह मुक्ति के मंदिर में नहीं है। वो कहते हैं वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधारस में, जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, उतना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है उतना सुख और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आज मुझे और आपको संकीर्तन में उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, है ना? कारण यही है, भगवान के नाम में कोई कमी नहीं है। नाम तो बड़ा महान है, नाम संकीर्तन तो बहुत मधुर है। हमें और आपको यदि भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में, भगवत कथा में आनंद न आए तो कथा की महिमा घटी नहीं है, नाम की महिमा नहीं घटी है, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अपवित्रता है, पाप भरे हुए हैं। अपने गुजराती में कमलो कहवाए, कमलो थियो है ना, तो हाँ जोंडिस, तो ई गम्मेटलू गळ्यू खाई शेरडी पण खाए ने तो एने ई गळी न लागे, है ना, एनी आँखो पीली थई जाए, एने एने शेरडी पण गोळ पण गळ्यो न लागे। यद्यपि गन्ना जो है वो मीठा है लेकिन जिसको जोंडिस हुआ है, पीलिया रोग हुआ है, उसे वो मीठा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम मधुर है, मीठा है, लेकिन हम सबको एक रोग हुआ है,
एक रोग लगा है, पाप रूपी रोग। जब तक ये रोग है तब तक ये भगवत नाम मधुर नहीं लगेगा। लेकिन जिसको जॉन्डिस हुआ है उसका कोई उपाय भी नहीं है। उपाय तो एक ही है, गन्ना खाते रहो। खबर नहीं तुम्हारे देश में गन्ना मळता हो एक नहीं मळे। हाँ, जो कि बधु सारू सारू ही जावे भारत में थे, अमे तो रिजेक्शन माल ज खाई छे त्या। तो जिसको जॉन्डिस हुआ है उसे गन्ना मीठा नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए उपाय क्या है कि वह गन्ना खाता रहे। गन्ना खाते 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 वह रोग मिट जाएगा, और जो गन्ना मीठा नहीं लग रहा था वह मीठा लगने लगेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम मीठा है, हमारे हृदय में पाप है इसलिए वह मीठा नहीं लग रहा है। लेकिन उपाय क्या है कि भगवान का नाम लेते रहे, भले मीठा ना लगे फिर भी लेते रहे, जबरदस्ती लेते रहे। वो भगवान का नाम लेते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि वही भगवान का नाम मधुर लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। फिर नाम के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा। और इसलिए तो आचार्य चरण ने मंगलाचरण में कह दिया, गोविंद दामोदर स्त्रोत में कह दिया ना, गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययो पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यम। कैसा है भगवान का नाम? पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यम। गोविंद दामो धर्माधवेति। गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा। ब्रज में प्रत्येक ब्रजवासी गण अपने घर के द्वार पर बैठे बैठे भगवान के पवित्र नाम का, पवित्र कथा का गान करते थे। तो धन्यवाद, बहुत सुंदर कीर्तन हुआ, हम रोज करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों काम होता है कि दो घंटे बैठ कर ये पांव दुखने लगता है तो खड़े होकर थोड़े फ्रेश हो जाते हैं, जिसको पानी पीना है पानी पी लेते हैं, मोबाइल में फ़ोन में दो तीन बातचीत करनी है तो बात करके आ जाते हैं, सब मतलब हम बधु व्यवस्थित थी जाए। और जिसके हृदय में वास्तव में भाव है कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। आइए श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद, जहाँ स्थानम तत्व का वर्णन हुआ है, यह कथा का अनुष्ठान है और गत दो दिनों से हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से आग्निग्रह, आग्निग्रह से नाभि और नाभि से भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। भगवान ऋषभदेव का सुंदर चरित्र, और सबसे बड़ी बात भगवान ऋषभदेव का उपदेश। गत सत्र का अंत यहीं पर हुआ था कि भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे और सारे पुत्र सफल थे, सक्सेस थे, सफलता के शिखर पर राज कर रहे थे। एक आदमी के 100 पुत्र और सारे पुत्र सफल, ये तो बहुत कम जगह पर देखने मिलता है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि हे सुखदेव जी, इसका कारण क्या है? भगवान ऋषभदेव के सारे पुत्र के सफलता का राज क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया था।
और उस उपदेश के कारण, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारने के कारण वे सारे पुत्र सफल हो गए। परीक्षित ने कहा कि कृपया करके वह उपदेश सुनाइए। आज भगवान ऋषभ देव का उपदेश, वैसे तो उन्होंने अपने पुत्र को उपदेश दिया, लेकिन सच कहें तो अपने पुत्रों के माध्यम से भगवान ऋषभ देव ने पूरे मानव समाज को यह उपदेश दिया। यह उपदेश और किसी के लिए नहीं, हम सब के लिए है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। ब्रह्मावर्त नामक देश में भगवान ऋषभ देव बैठे हैं, सारे पुत्र बैठे हैं, और उपदेश प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री ऋषभ उवाच। वे कहते हैं, नायं देहो देह भाजान्रि लोके कष्टान कामान अर्हते वेडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्। तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम् शुद्ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। भगवान ऋषभदेव सर्वप्रथम अपने पुत्र को उपदेश देते हुए भागवत के पंचम स्कंद के पांचवें अध्याय में कहते हैं, कहे मेरे प्रिय पुत्रों, पुत्र का, यदि आप संस्कृत श्लोक को देखोगे, आपके पास भागवत हो, भागवत तो संस्कृत में ही कहा गया, फिर उसे समझाने के लिए आचार्यों ने उसको ट्रांसलेट किया, उन पर अपने अपने भाव लिखे हैं। तो भागवत जी में इस प्रकार का यह श्लोक है, ऋषभदेव अपने पुत्र को संबोधन देते हैं, जैसे हम हमारे पुत्र को कहते हैं ना, चिंटू, पिंटू, मिंटू, हैं? ये कलयुग की परंपरा है। पहले के जमाने में अपने पुत्रों के नाम भगवान के नाम से हुआ करते थे, इसलिए न चाहते हुए भी घर पर भगवान का नाम गूंजता रहता था। अपने पुत्रों का नाम घनश्याम, राम, श्याम इस प्रकार का रखते थे, ताकि पुत्र के बहाने भी भगवान का नाम हो। और आज तो एक लड़की मैं देखा कि मुंबई में अपनी बेटी का नाम रखा सॉफ्टी। एमा सॉफ्ट जेवुत के हतुद नहीं, पर मैं वो विचार करो कि जारे आ गढ़ी बात हाशे त्यारे आने लोगों। चलो बच्ची है तो सॉफ्टी ठीक है, चलो समझ में आता है। तो जब गढ़ा बा हो जाएगी तो एम कैसे सॉफ्टी बाए वा। एक बार एक काका ने काकी अहमदाबाद में एक सुंदर सरोवर ना किनारे फरता था, तो अचानक एक काका हँसवा मंड्या, तो एमनी पत्नीए कीधुँ के तमे केम हँसो छो, कि जवा दे ने। नहीं नहीं तमे मने क्यों तमे केम हँसो छो, ए के रेवा देने। नहीं नहीं तमे क्यों छो, આપણે એક ને એક ગગલા ના સમ, તમે નહીં કહો તો કે તને જોઈને મને એક શાયરી યાદ આવી, પણ એ કેવા જેવી નથી, શાહબુદ્દીન ભાઈ પાસેથી મેં સાંભળેલું, તો એ કે નહીં ને તમે મને કહો છે, મને જોઈને તમને કઈ શાયરી યાદ આવી, એ કે તું સાંભળ, લગન વખતે હતી તું મુલાયમ કાગળ જેવી,
હવે આ કોને કોને લાગુ પડે મને ખબર નથી, પણ સોફ્ટીને તો ખાસ, સોફ્ટી અત્યારે નાની છે અમારા મુંબઈમાં. તો એ કાકાએ કીધું કે લગ્ન વખતે હતી તું મુલાયમ કાગળ જેવી, કાગળમાંથી થઈ ગઈ છો હવે કડક પૂઠા જેવી. આગળ સાંભળવું છે કહું? લગ્ન વખતે હતી તું મુલાયમ કાગળ જેવી, કાગળમાંથી થઈ ગઈ છો હવે કડક પૂઠા જેવી. જવાનીમાં પીતો તો હું તને ચલમની જેમ, પણ હવે ચલમમાંથી થઈ ગઈ છો તું બીડીના ઠૂઠા જેવી. એ કાકી ઘરે ન પહોંચ્યા, એ તળાવમાં જ પડીને આત્મહત્યા કરી લીધી. જાઓ જાઓ, તમારી સાથે કોણ રહે. ખેર આ તો ઘડી બે ઘડી આનંદ મંગળ. તો ભગવાન ઋષભદેવને અપને પુત્ર કો સુંદર સંબોધન દિયા. પુત્ર કા શિવા શ્રીધર સ્વામી હમારે આચાર્ય એસા કહેતે હૈ કે પુત્ર કા સંબોધન જો હૈ યે પ્રેમ સે દિયા ગયા સંબોધન હૈ. અર્થાત અપને પુત્ર કો બડે ભાવ સે પ્રેમ સે કહે રહે હૈ કે હે મેરે પ્રિય પુત્રો. ઇસે બહોત સુંદર એક ઉપદેશ મિલતા હૈ કે જબ ભી હમે કિસી કો કુછ ઉપદેશ દેના હો, કિસી કો કોઈ શિક્ષા દેની હો, કિસી કો સમજાના હો, તો પ્રેમ સે સમજાના ચાહીએ. અમારી સમજાની કી સ્ટાઇલ કુછ અલગ હૈ. આપણા ઘરે કદાચ આપણા બાળકે કંઈ બરોબર કામ ન કર્યું હોય, કે પત્નીએ કે કોઈ વ્યક્તિએ, તો આપણે સીધું જ પ્રહાર કરીએ, તને કંઈ આવડતું નથી, તું કંઈ કામનો નથી. પણ નહીં, કિસી કો સમજાને કે લીએ ભાવ સે પ્રેમ સે. પ્રેમ સે જો કામ બનતા હૈ વો ક્રોધ સે નહીં બનતા. ક્રોધ સે માત્ર પ્રલય હોતા હૈ, ડિસ્ટ્રોય હોતા હૈ, બનતા કુછ નહીં હૈ પ્રેમ સે. ભગવાન ઋષભદેવને બડે પ્રેમ સે કહા, પુત્ર કા હે મેરે પ્રિય પુત્રો, હે મેરે પ્રિય. કુછ લોગ પ્રવચન ભી કરતે હૈ તો લગતા હૈ પ્રવચન ચલ રહા હૈ કે મશીન ગન ચલ રહા હૈ. કુછ કુછ લોગો કી બોલી બંદૂક કી ગોલી કી તરહ હોતી હૈ, ચલતી હૈ તો બિલકુલ સીના પાર કર જાતી હૈ. આમ અમુક લોકો બોલે ને તો એમ લાગે કે બસ હવે આ આપણે આપણે જૂની કહાવત છે ને કે એક ભાઈ બીમાર હોસ્પિટલમાં દાખલ, અને પછી આપણે તો ખબર કાઢવા જાય ને, આપણે ખબર કાઢવા જાય કે તો એક બેન એમની ખબર કાઢવા ગયા, પાંચ છોકરાઓને સાથે લઈ ગયા, પાંચ પાંચ. અને એ પાંચેય છોકરા કોણ જાણે કયા મુહૂર્તમાં જન્મ લીધો, એકે શાંતિથી ન બેસે. પાંચેય દર્દી બિચારો સ્ટ્રેચર ઉપર બિસ્તર ઉપર સૂતો હતો, અને એક જૈન સીધું સફરજન મોઢામાં, બીજો ગ્લુકોઝને પાણીમાં નાખીને શરબતની જેમ પીવા માંડ્યો, ત્રીજો દર્દીની છાતી ઉપર, અને ચોથો એ દર્દીને ગ્લુકોઝની બાટલો ચડાવ્યો હતો એ નળીને ફાસ કરવા માંડ્યો. અને પછી દર્દીની બાજુમાં બેસી અને પૂછે કે શું થયું. જુઓ ને, દર્દી તો આમ ધીરેથી બોલે ને, જો ડોક્ટર કહે છે કે કમળો થયો છે. કમળો? કમળો તો ભગવાન દુશ્મન નહીં નો દે. જો ને ફલાણા ઓલા રમેશબેન કમળો જ હતો ને, કમળામાંથી કમળી થઈ અને પછી વયા ગયા. આનો અર્થ એમ કે તમને કમળી થશે અને હવે તું જવાનો. આપણે બોલીએ તો એવું બોલીએ કે સામેવાળાનો રોગ વયો જાય, કે આ કોઈ મોટો રોગ નથી, આ તો તમને બધું બરોબર થઈ જશે, ભગવાન બધા સારા વાના કરી દેશે. મીઠી મધુર વાણી હોની ચાહીએ, મેરે કહેને કા ભાવ યે હૈ ભક્તો.
देखिए वाणी से ही तो महाभारत रच गया, एक वाणी से ही राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। वाणी से चाहो तो पूरे संसार को तबाह कर सकते हो, और वाणी से चाहो तो पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पूरी दुनिया को। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि कई वर्षों के बाद हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के रूप में कोई बोलने वाला आया है। अगर आनी पहला जो हतो मैं नहीं सांभळ्यो क्यारे ई बोलाता, मैं तो इन्हें क्या बोलता जो याद नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। वाणी में बड़ी ताकत है, लेकिन वाणी मधुर होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में वाणी के गुण बताए गए हैं, सुष्टु सारम मितम मधु। वाणी सार रूप होनी चाहिए, मीठी। चाणक्य पंडित ने कहा कि यदि आप सत्य हो लेकिन फिर भी वह कटु हो तो उसे ना बोले, मधुर बोले, मधुर भाषा होनी चाहिए। बड़े प्रेम से, बड़े मधुरता में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्र को संबोधन देते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों। जैसे ही मधुरता से कहा प्रिय पुत्रों, तो सारे 100 पुत्र के कान भगवान ऋषभ देव के पास, है ना। प्रेम जहां होता है लोग भाव से सुनते हैं। शुरू करते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, अयम देह नायम देह देह भाजा निर्लोके। वे कहते हैं अन्वयी के अनुसार इस श्लोक को यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो वे कहते हैं कि अयम देह, अयम माने ये मनुष्य देह, कहते ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। प्रहलाद महाराज ने कहा दुर्लभम मानुषम देह तदप्य ध्रुव मर्थदम। ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। हमारे भारत के संतों ने बहुत गाया, मोंगो मनुष्य देह नहीं मळे वारंवार, भाई तू भजी लेने किरदार। मनुष्य देव मोंगो छे। ये मनुष्य देह दुर्लभ क्यों दुर्लभ है? भगवान रामचंद्र कहते हैं आकर चारी लक्ष्य 84 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी। यह जीव 84 लाख की योनियों में भ्रमण करता है, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता, अनेकों प्रकार के शरीर में जन्म लेता है। पद्म पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन है कि 9 लाख प्रकार के जन्म जल में होते हैं। जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशंति। 20 लाख प्रकार के जन्म पेड़ और पौधे के रूप में होते हैं। 11 लाख प्रकार के जन्म क्रिमिया रुद्र संख्या का छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में। 30 लक्षाणी पशव 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले पशु और 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी। इतने इतने जन्म है? लेने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। भक्तों ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ऐसा मत समझिए कि बस ऐसे ही मिल गया है। 84 लाख के चक्कर, 84 लाख की योनियों में हजारों हजारों वर्ष बिताने के बाद यह मनुष्य जीवन मिला है, और मिला है तो कितने समय के लिए? मात्र 100 साल के लिए। आपके अमेरिका वाले तो 100 साल जी भी लेते होंगे, भारत के लोग तो धूल और धुआं खाकर 70-80 में तो हरि बोल अच्युतम केशवम, अने कदाच 70-80 वर्ष करता वधारे जीवी पण जाए तो ये जीवा लायक न रहे, हॉस्पिटलाइज होय के पछी हैरान थतो हो। 84 लाख की योनि के बाद ये शरीर मिलता है, और मात्र 80-100 साल के लिए। तो ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है।
एक तो यह दुर्लभ शरीर है जो हमें सुलभ हुआ है। ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि हम सबको मनुष्य बनाया और साथ ही साथ भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं प्रायः भारत देश में जन्म, भारत देश में जन्म लेना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं निवेदन करता हूं गर्भवती नारी हो तो भारत चली जाए, वहां जन्म कराए, बड़ी महिमा है भारत देश की। भागवत के इसी पंचम स्कंद में कथा आएगी, देवता स्वर्ग लोक में क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हो और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही कृपा कर दीजिए कि भारत भूमि में मनुष्य का जन्म दे दीजिए। भारत भूमि में मनुष्य का जन्म दे दीजिए। कभी नहीं मरने वाले देवता, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भारत देश में मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति दिव्य है भक्तों, दिव्य है। आप विचार कीजिए, किसी ऐसे देश में हमारा जन्म होता जहां बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है गाय काटने की, बकरे काटने की, न जाने कितना पाप हम लोग करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान ऋषभ देव कहते हैं एक तो मनुष्य का जन्म, दूसरा भारत भूमि में जन्म, और इसी के साथ साथ प्राय हम सब का जन्म किसी सुसंस्कृत परिवार में हुआ है, है? ये उससे भी बड़ी कृपा है भगवान की कि किसी ऐसे एरे गेरे समाज में नहीं, किसी एक प्रतिष्ठित समाज में, किसी सुसंस्कृत समाज में हमारा जन्म हुआ है। तो अब आप विचार कीजिए, एक तो मनुष्य, ऊपर से भारत में जन्म, ऊपर से किसी सुसंस्कृत परिवार में हमारा जन्म हुआ है, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। जब इतनी बड़ी कृपा भगवान की हो चुकी है तो इस मनुष्य शरीर से, हे मेरे प्रिय पुत्रों, हमें भोग नहीं भोगतने चाहिए। संस्कृत में कहते हैं, मैं केवल आपको ट्रांसलेट कर रहा हूं, नायम देह अयम देह न, ये जो देह है ये नहीं मिला है किस लिए, कष्टान कामान अरहते विडभुजामिये, भोग भोगतने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। प्रायः हमारी बुद्धि में हायर फैसिलिटी को एंजॉय करने की वासना होती है कि हमें बेटर फैसिलिटी मिले, हमें भोग मिले, लेकिन सच कहें तत्व से देखा जाए तो भोगों में सुख नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा भोग आखिर तो दुख ही पैदा करता है, दुख ही। और सच कहूं तो हम लोग क्या भोगों को भोगतेंगे। ऐसे माना जाता है कि भारत से अमेरिका 10 गुना आगे हैं, अमेरिका की फैसिलिटी, अमेरिका के भोग भारत से 10 गुना आगे हैं, लेकिन तो क्या हुआ। आखिर इस भोग को भोगने से सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भारत ने अमुक दोषियों अहीं आवी होय ने, पछी भारत जैन वातो करे, अमेरिका नी डोशी होय एटले आजुबाजु 25-30 बैठी होय, अन पछी वातो करे के अमेरिका तो अमेरिका छे, अने एमाई मारो चंपक अने मारी हंसा नु घर तो तमे जो। केटलू मोटू घर, आपणे तो स्वप्ने नु विचार्यू होय तो बीजी बधी डोशीओ, हाँ एटलू मोटू घर, एना बाथरूम तो तमे जो, अने बाथरूम माई मारा चंपक नो नळे बीजो अने मारी हंसा नो नळे बीजो। हवे ई कूल अने होट नो नळ हतो, कूल ना नळ ऊपर सी लख्यो ने, होट ऊपर एच लख्यो ने, पण नहीं आने तो बोलवू ज, मारा चंपक नो बीजो अने मारी हंसा नो बीजो।
खैर यहां पर बेटर फैसिलिटी है, लेकिन लेकिन भोगों में सुख नहीं है। जन्म से लेकर आज तक हमने कितने भोग भोगे हैं। जो भी अच्छी गाड़ी आई हमने खरीदी, जो भी अच्छे मोबाइल आए खरीदे, अच्छे कपड़े आए मॉल में जाकर दुकान में जाकर खरीदे, अच्छे अच्छे भोजन होटल में जाकर खाए, अच्छे अच्छे फिल्म देखकर आए, ये सारे भोग हमने भोगते। लेकिन एक आदमी बताओ जो आज भोग भोगत कर सुखी हो गया हो। इतिहास साक्षी है भक्तों। अरे मेरे कृष्ण ने गीता में कहा यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नहीं एवते है अर्जुन। इस दुनिया में हम लोग जिसे भोग कहते हैं ये भोग मात्र दुख देने के लिए बने हैं। इंद्रिय जनित जो भोग है यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नहीं एवते, वह दुख नहीं वह दुखों की योनि है। ये जो भोग है ना वह दुख नहीं देते, वह दुखों की योनि, योनि माने दुख देने वाली जननी है। एक भोग हजारों दुख लेकर आता है। आज से 10-15 साल पहले यह मोबाइल लॉन्च हुआ, आप इस एक भोग को ही ले लीजिए। जब यह मोबाइल नहीं था आदमी कितना सुखी रहता था, लेकिन यह एक फैसिलिटी आ गई है। आज एक दिन भी आदमी घर से मोबाइल ले जाना भूल जाए तो परेशान हो जाता है। आदमी कुछ थोड़ी सी स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र रह पाता था, लेकिन जिस दिन मोबाइल आया आदमी की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। जितने जितने भोग बढ़ रहे हैं उतने उतने दुख बढ़ रहे हैं भक्तों। आखिर तो भोग दुख देने वाले। इस दुनिया में सबसे बड़ा भोग है स्त्री और पुरुष का मिलन, जो दुनिया के लोग इसे सबसे ऊंचा सबसे बड़ा भोग मानते हैं। लेकिन यह भोग यह सुख कितने सेकंड के लिए, कितनी मिनट के लिए, और उस भोग के लिए आदमी अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और आखिर उस भोग के बाद आदमी सुखी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि मन में जो भोग भोगतने की इच्छा है उसे पूर्ण कर दो जिससे मन शांत हो जाएगा। यह बिल्कुल गलत है। भोग भोगतने की इच्छा कामना वासना यदि पूर्ण करेंगे तो वह 10 गुना और अधिक बढ़ेगी। भोग भोगतने से कामना शांत नहीं होती है, बढ़ती है। नीति शास्त्रकार चाणक्य पंडित ने कहा यह भोग भोगतने की वासना अग्नि के समान है और उसे पूर्ण करना उस अग्नि में घी की आहुति देने के बराबर है। किसी अग्नि जलती हुई अग्नि में आप घी डालोगे तो हो सकता है कुछ घड़ी के लिए वह अग्नि शांत हो जाए, लेकिन कुछ समय के बाद वह 10 गुना अधिक बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार मन में जो भोग भोगतने की कामना है उसे यदि पूर्ण करते हैं तो कामनाएं और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं। आदमी की कामना कम नहीं होती। और आदमी बस इसी अज्ञान में फंसा रहता है कि ये चीज मिलेगी मैं सुखी हो जाऊंगा। वो गधे के गाजर की तरह, जानते ना, यहां तो पता नहीं हमारे देश में गधों से काम कराने के लिए क्या करते हैं। गधे के सिर पर एक लकड़ी बांधते हैं और उस पर एक रस्सी और रस्सी पर कैरेट गाजर को टांग देते हैं। गधा सोचता है कि मैं आगे चलूंगा तो गाजर मेरे मुंह में, लेकिन गधा जैसे आगे चलता है तो वो तो लकड़ी से बंधा है, वो गाजर भी आगे आगे जाता है। गधा बेचारा रात दिन मेहनत मजदूरी करता है लेकिन गाजर खाने को नहीं मिलता है। वो गाजर और गधे जैसी हालत हमारी है कि ये गाजर मिला, ये गाजर मिला, ये मिला, ये भोग मिला, ये सुख मिला, लेकिन वह सुख कभी मिलता नहीं है, कभी नहीं मिलता। और जो लोग सोचते हैं कि मैं सुखी हूं ये भ्रम है मात्र। रजोदिका कर्मोपरा दुखे च सुख मानिन, वो दुख में भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन भोग भोगतने के लिए नहीं मिला है। मैं और तो क्या कहूं भक्तों, कल का इतिहास। हमारे देश में एक राजा हुए, राजा भर्तहरि।
आप जानते होंगे राजा भर्तृहरि को जब वैराग्य हुआ, जब पिंगला के बारे में उनको पता चला, राजा भर्तृहरि को वैराग्य हुआ तो राजा भर्तृहरि ने एक ग्रंथ लिखा, वैराग्य शतक, पढ़ने लायक ग्रंथ है। उनमें राजा भर्तृहरि लिखते हैं कि मैं जब राजा था, वो बहुत बड़े राजा थे, बोले मैं राजा था तो मैं सोचता था कि मैं भोगों को भोगत रहा हूं, दीर्घ काल तक मैंने भोग भोगते और मैं बड़े गर्व से भोगों को भोगत रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ में, भोगान भोगता वैमेव भोगता, तपसान तपसा वैमेव तपता। मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। कई बार दुनिया का आदमी सोचता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं। बक तो हम सिगरेट और शराब क्या पिएंगे, ये सिगरेट और शराब हमको पी रही है, ये हम नहीं जानते हैं। फिर भी कुछ लोगों के मन में है, नहीं हम भोग भोगत लेंगे। श्रीमद् भागवत जी में पुरुरवा महाराज, ययाति महाराज का अनुभव सुनिए। पुरुरवा महाराज का जन्म सतयुग में और त्रेता युग में भी वो जीवित थे, बिल्कुल युगांतर तक उनकी आयु थी, अर्थात उनकी दीर्घ आयु थी। और कितना बड़ा राज और रजवाड़ा था, और पत्नी के रूप में साक्षात स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उनके पास थी। इस राजा ने अपना अनुभव भागवत में सुनाया, कृष्ण ने उद्धव जी को यह बताया एल गीत के रूप में। उस पुरुरवा महाराज ने कहा कि मेरी इतनी दीर्घ आयु है, लाखों वर्ष तक पुरुरवा महाराज का जीवन था, स्वर्ग की अप्सरा पत्नी के रूप में थी, शरीर में शक्ति सामर्थ्य था, लेकिन फिर भी पुरुरवा महाराज ने कहा कि इस दुनिया में आदमी को कितना भी भोग मिल जाए, किसी आदमी को दुनिया के सारे धन के ढेर पर बिठा दो, सारी होटल उनके नाम पर कर दो, सारी स्त्रियां उनको दे दो, फिर भी उस आदमी को कहा जाए कि आप सुखी हो गए, कहेगा मैं सुखी नहीं हुआ। ये हमारी गलत धारणा है कि संसार के भोग भोगतने से हम सुखी होंगे, ये बिल्कुल गलत है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, मनुष्य जीवन